इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि किसी रिएक्शन या इक्विलिब्रियम की फिजिबिलिटी किस तरह से चेक की जाती है, यानी किस तरह से प्रेडिक्ट किया जाता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी एसिड और बेस में किस टाइप की रिएक्शन होती है। मान लीजिए HA कोई एसिड है और इसके डिफरेंट बेस के साथ रिएक्शन हो रही है, तो बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या है कि बेस का मॉलिक्यूल यहाँ से एक एसिडिक एच को एब्सेप्ट कर लेता है। अगर बेस में कोई मेटल प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में वो मेटल इस एसिडिक एच की जगह पर आ जाती है और ये एच बेस में चला जाता है। जैसे अगर इस एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट बेस के साथ करवाई जाए तो ये जो सोडियम होगा ये यहाँ आ जाएगा और ये एच जो होगा वो बेस के थ्रू एब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी इस एसिड से एच रिलीज करने के बाद इसके कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन हो जाएगी और जब बेस इस एच को ले लेगा तो ये हमारे पास H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर NaOH के साथ रिएक्शन होती तो इससे कंजुगेट बेस बन जाता और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता। इसी तरह से बाकी रिएक्शन में भी इनके कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर डिफरेंस जनरेट होता है Na2CO3 के रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पर दो सोडियम है इसलिए HA के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और इससे H2CO3 बनता है। इसी तरह से जब अमोनिया यहाँ से एक एसिडिक हाइड्रोजन को एब्सट्रैक्ट कर लेगी तो सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देगी। तो यहाँ तक हमको ये तो क्लियर हो गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मली कौन कौन से बेस यूज होते हैं और वो बेस किसी एसिडिक हाइड्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं और उनके साइड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं। अब इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन की हेल्प से हम रिएक्शन में या किसी इक्विलिब्रियम में फिजिबिलिटी किस तरह से डिटरमाइन करते हैं इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास HA कोई एसिड है और जब ये HA एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो HA से एक एच पॉजिटिव रिलीज होने के बाद इससे कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन होती है और बेस का मॉलिक्यूल यहाँ से एक एच को एब्सेप्ट कर लेता है जिससे इस बेस से कंजुगेट एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन में इसको हम एसिड वन मान लेते हैं और इसको हम बेस वन मान लेते हैं। अगर मान लो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बने हैं, अब ये रिएक्शन बैकवर्ड की डायरेक्शन में अगर जाए तो ये रिएक्टेंट की तरह काम करने लग जाएंगे और ये जो होगा अब यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज करके इसमें कन्वर्ट होगा, यानी अब ये जो होगा ये एसिड बन जाएगा, इसको हम एसिड टू मान लेते हैं। इसी तरीके से इसमें अब ये जो A नेगेटिव होगा, रिएक्शन बैकवर्ड जा रही होगी तो ये बेस की तरह काम करेगा, यहाँ से एक H को एब्सेप्ट करेगा तो इसको हम मान लेते हैं बेस सेकेंड। तो इस टाइप की रिएक्शन या इक्विलिब्रियम में रिएक्शन की डायरेक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन या फिर फिजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास तीन थ्योरीज है। पहली थ्योरी ये कि इसमें से एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर दें, यानी कि इस एसिड वन की एसिडिक स्ट्रेंथ को एसिड सेकंड के साथ कंपेयर कर दें। सेकंड हम ऐसा कर सकते हैं कि बेस वन को बेस टू के साथ बेसिसिटी कंपेयर कर लें, या तीसरा काम हम ये कर सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लें। नंबर वन, अगर एसिड वन की एसिडिटी एसिड सेकंड से ज्यादा है ऐसी कंडीशन में ये रिएक्शन या इक्विलिब्रियम फिजिबल रिएक्शन या इक्विलिब्रियम कहलाता है और इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट होती है वो बैकवर्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से कंडीशन सेकंड में अगर बेस वन की बेसिक सिटी बेस सेकंड से ज़्यादा है ऐसी कंडीशन में अगेन ये फिजिबल रिएक्शन या इक्विलिब्रियम होता है और फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट होती है वो बैकवर्ड से ज़्यादा होती है। और तीसरी कंडीशन में अगर प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है ऐसी कंडीशन में ये रिएक्शन या इक्विलिब्रियम भी फिजिबल होगा, इसमें भी फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट ज़्यादा होगी। अगर इन तीनों फैक्टर को बिल्कुल अपोजिट कर दिया जाता है तो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट ज़्यादा हो जाएगी और रिएक्शन नॉट फिजिबल बन जाएगी। जैसे अगर मान लो एसिड सेकेंड एसिड वन से स्ट्रॉन्ग हो गया तब ये एसिड सेकेंड क्या करेगा, रिएक्शन को बैक साइड में ले जाएगा, यानी कि ऐसी रिएक्शन या ऐसा इक्विलिब्रियम नॉन फिजिबल या नॉट फिजिबल होता है। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हर रिएक्शन के जो रिएक्टेंट होते हैं वो ये चाहते हैं कि उनका बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो वीक एसिड और वीक बेस बने। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमको किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी या फिर इक्विलिब्रियम की फिजिबिलिटी को चेक करना है तो हमको क्या करना है, उसके रिएक्टेंट और उसके प्रोडक्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड आइदर स्ट्रॉन्ग बेस को फाइंड आउट करना है। अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है तो रिएक्शन को ये राइट हैंड साइड में लेके जाएगा, इसका मतलब ये हुआ जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस राइट हैंड साइड में होते तो ऐसी कंडीशन में ये रिएक्शन को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता तो ऐसी कंडीशन में जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो फास्ट हो जाती
और कभी भी कोई भी रिएक्शन या इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है तो इसका मतलब ये है वो फिजिबल रिएक्शन है, और अगर कोई रिएक्शन या इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब वो रिएक्शन नॉन फिजिबल है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एसिडिटी और बेसिसिटी को बहुत सारे वीडियोज के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और उसके बेसिस पे अगर हम एसिडिटी के जनरलाइज ऑर्डर की बात करें तो ये एसिडिटी का जनरलाइज ऑर्डर होता है। चूंकि ये ऑर्डर एसिडिटी का जनरलाइज ऑर्डर है तो यहाँ पे हमने केवल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एसिड्स हैं उनको ही कंसिडर किया है। इस सीरीज में सल्फोनिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और CH4 यानी मीथेन सबसे वीकेस्ट एसिड है। एग्जाम्पल नंबर वन, इस एग्जाम्पल में किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ करवाई जा रही है। ऐसी रिएक्शन में हमको प्रोडक्ट गिवन भी हो सकता है या प्रोडक्ट हमको बनाना भी हो सकता है। इस रिएक्शन में अगर हमसे पूछा जाए क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, क्या ये रिएक्शन का जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो ज़्यादा है या फिर बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के रिएक्शन के कारण जो प्रोडक्ट बनते हैं उसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्योंकि ये हमारे पास एसिड है और ये इसका एसिडिक एच है और ये हमारे पास बेस है। जैसा कि अभी इसी वीडियो में हमने एसिड और बेस के रिएक्शन में देखा है, तो इस रिएक्शन में होगा क्या, ये जो बेस होगा यहाँ से एक एसिडिक एच को एब्सेप्ट कर लेगा और ये जो मेटल होगा वो इस जगह पर आ जाएगा, यानी इससे हमारे पास कार्बोक्सिलेट एसिड के सोल्ट की फॉर्मेशन के साथ साथ इस एच और इस OH की हेल्प से वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी ये इस रिएक्शन के दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। अब अगर मान लीजिए इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी को अगर प्रिडिक्ट करना है तो इसके लिए हम तीनों थ्योरी में से कोई भी एक थ्योरी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसमें एसिड की थ्योरी को यूज करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं उसमें से हमको एसिड को फाइंड आउट करना होता है। इन दोनों में से एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिएक्शन के लिए एसिड का काम करता है, इसको हम एक नंबर का एसिड मान लेते हैं। इसी तरह से दिए गए प्रोडक्ट में या जो प्रोडक्ट हमने बनाए हैं उसमें से एसिड को फाउंड आउट करते हैं, इसमें से जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो एसिड की तरह काम करता है, इसको हम एसिड नंबर सेकंड मान लेते हैं। इस तरह से हमारे पास एक एसिड रिएक्टेंट में आ चुके हैं और एक एसिड हमारे पास प्रोडक्ट में आ चुके हैं, और इन दोनों एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को इस ऑर्डर के साथ कंपेयर करते हैं। इस ऑर्डर से हम क्लियरली ये इंडिकेट कर सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो वाटर के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका मतलब ये हुआ इस पूरी रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, इस कारण से पूरा डिसोसिएट होगा और रिएक्शन को आगे की तरफ ले जाएगा, यानी इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी वो रेट ऑफ बैकवर्ड से फास्ट होगी, यानी ये रिएक्शन आगे के डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। चूंकि इस रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट है इसलिए रिएक्शन फिजिबल रिएक्शन कहलाएगी। इस रिएक्शन को हम इसकी पीके वैल्यू के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। जैसा कि एसिड कॉन्सेप्ट में हमने ऐसा देखा है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसकी पीके वैल्यू कम होनी चाहिए। चूंकि इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसकी पीके वैल्यू कम होनी चाहिए। अगर इसके हम पीके वैल्यू की बात करें तो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की जो पीके वैल्यू होती है वो 4.76 के आसपास होती है, और अगर वाटर की बात करें, वाटर के लिए जो पीके वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट 15 के आसपास होती है, यानी इसकी वैल्यू जो होती है वो 15.7 के आसपास होती है। इसका मतलब ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड की पीके वैल्यू कम होने के कारण कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसको हम इसकी पीके वैल्यू के साथ या फिर इस ऑर्डर से भी कोरिलेट कर सकते हैं। इसीलिए इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड लेफ्ट हैंड साइड होने के कारण ये रिएक्शन को आगे की साइड प्रोसीड करता है, जिससे फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाती है, जिससे रिएक्शन फिजिबल रिएक्शन बन जाती है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, इस एग्जाम्पल में टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन NaOH के साथ करवाई गई है, जिसमें यहाँ से OH रिएक्टिव बेस की तरह एक्ट करता है और टर्मिनल एल्काइन का ये H एसिड की तरह एक्ट करता है, और इन दोनों की हेल्प से वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। अब इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से हम अच्छे एसिड को फाइंड आउट करते हैं। जैसे इन दोनों में से जो एसिड का काम करेगा वो टर्मिनल एल्काइन होगी, जिसे हम 1 नंबर मार्किंग कर लेते हैं। इसी तरह इन दोनों में से वाटर के मॉलिक्यूल एसिड की तरह काम करेंगे, इसको हम 2 नंबर की मार्किंग कर लेते हैं। अब इन दोनों एसिड से H पॉजिटिव को रिमूव करके इनके कंजुगेट बेस बना लेते हैं, तो वाटर के कंजुगेट बेस यानी OH नेगेटिव की जो स्टेबिलिटी होती है वो टर्मिनल एल्काइन के कंजुगेट बेस से ज़्यादा होती है, और जिसकी कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसीलिए इसमें वाटर का मॉलिक्यूल टर्मिनल एल्काइन से ज़्यादा अच्छा एसिड होता है, और किसी भी अच्छे एसिड के लिए उसकी के वैल्यू ज़्यादा होती है जबकि पीके वैल्यू कम होती है। इसी कारण से वाटर की पीके वैल्यू कम होने के कारण वाटर टर्मिनल एल्काइन से ज़्यादा अच्छा एसिड होता है, और इसीलिए ये रिएक्शन जो होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाती है।
अभी रिएक्शन बैकवर्ड साइड में क्यों शिफ्ट हुई, क्योंकि इसमें जो अच्छा एसिड है वो राइट हैंड साइड में है, इसलिए रिएक्शन को ये क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेगा, यानी कि इस रिएक्शन में जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन से फास्ट होगा, यानी कि ये रिएक्शन जो होगी कभी भी फिजिबल नहीं हो पाएगी। अब मान लो इस रिएक्शन में NaOH की जगह पर हम सोडामाइड बेस ले लेते हैं, यानी टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन अगर सोडामाइड के साथ करवाते हैं तो इससे अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाती। अब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एसिड को फाइंड आउट करते हैं, जैसे इन दोनों में से जो टर्मिनल एल्काइन होगा वो एसिड की तरह काम करेगा, इसको एक नंबर की मार्किंग दे दी। इसी तरह इन दोनों में से अमोनिया जो होगा वो एसिड की तरह काम करेगा, इसको सेकेंड नंबर की मार्किंग दे दी। अब इन दोनों एसिड का आपस में एसिडिटी को कंपेयर करा, जब इन दोनों एसिड के कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलता है। बेसिकली होना क्या चाहिए था कि सी नेगेटिव और एन नेगेटिव को कंपेयर कर रहे हैं तो एन नेगेटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण अमोनिया का जो कॉन्जुगेट बेस है उसको एल्काइन के कॉन्जुगेट बेस से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, बट ये ज्यादा स्टेबल होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि सिंपल कार्बन ना होकर ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है जिसके परसेंटेज एस करेक्टर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज होगा और इसी कारण से एल्काइन का कंजुगेट बेस अमोनिया के कंजुगेट बेस से ज्यादा स्टेबल होता है, और जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, और एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने से हमेशा उस कंपाउंड की पीके वैल्यू कम होती है। इसीलिए एल्काइन की पीके वैल्यू अमोनिया की पीके वैल्यू से कम है, यानी टर्मिनल एल्काइन अमोनिया के कंपैरिजन में स्ट्रोंग एसिड है। अगर एल्काइन स्ट्रोंग एसिड है तो रिएक्शन आगे की साइड प्रोसीड करेगी, यानी इस रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये रिएक्शन जो होगी फिजिबल रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, इस एग्जाम्पल में फिनोल की रिएक्शन सोडियम एसिटेट के साथ करवाई जा रही है, जिससे यहाँ से एक एसिडिक एच रिमूव हो जाता है और फिनोल से कंजुगेट बेस यानी सोडियम फिनोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है और इससे एसिडिक एसिड भी बनता है। इन दोनों रिएक्शन में हम दोनों तरफ एसिड को फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, इसको हम वन नंबर की मार्किंग कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एसिडिक एसिड जो होगा वो एसिड की तरह काम करेगा, इसको हम सेकेंड नंबर की मार्किंग दे देते हैं। अब इन दोनों एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं, इन दोनों एसिड से एसिडिक एच को रिमूव करके इनके कंजुगेट बेस बना लेते हैं। अगर हम कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात करें तो एसिडिक एसिड के थ्रू बनने वाला कंजुगेट बेस फिनोल के थ्रू बनने वाले कंजुगेट बेस से ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ऐसा देखा है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं उनसे दो इक्विवेलेंट RS बनती है, जबकि फिनोक्साइड से चार नॉन इक्विवेलेंट RS बनती है। इक्विवेलेंट RS हमेशा नॉन इक्विवेलेंट RS से ज्यादा स्टेबल होती है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, और जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसीलिए एसिडिक एसिड फिनोल से अच्छा एसिड है। अगर किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी ज्यादा होती है तो हमेशा उसकी पीके वैल्यू कम हो जाती है, इसीलिए एसिडिक एसिड की जो पीके वैल्यू होती है वो कम होती है, और जो ये इंडिकेशन है कि एसिडिक एसिड फिनोल से स्ट्रोंग एसिड होता है, चूंकि इसमें एसिड जो है स्ट्रोंग राइट हैंड साइड में है, यानी यहाँ पर है, अभी क्या करेगा, रिएक्शन को बैक साइड में प्रोसीड करेगा, इसी कारण से ये रिएक्शन नॉट फिजिबल रिएक्शन हो जाएगी। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा है कि किसी कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ यानी बेसिसिटी अगर ज्यादा होती है तो KB वैल्यू भी ज्यादा हो जाती है, जबकि उसकी PKB वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और अगर बेस के लिए हम PKa वैल्यू को यूज करें तो PKa वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बेस और उनकी पीके वैल्यू दी गई है, चूंकि ये पीके वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि एन ब्यूटाइल लिथियम जिसकी पीके वैल्यू सबसे ज्यादा है इस सीरीज का स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और सोडियम एसिटेट इस सीरीज का सबसे वीक बेस होगा क्योंकि उसकी पीके वैल्यू सबसे कम है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो बेस हम यूज कर रहे हैं क्या इन बेस की पीके वैल्यू को देखकर कुछ कंक्लूजन निकाला जा सकता है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं अभी तक हमने करा क्या है। अभी तक हमने किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन बेस के साथ करवाई है और बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनमें और रिएक्टेंट में एसिड को फाइंड आउट करा है। जैसे इस टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन जब हमने NaOH के साथ करवाई तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बने, और रिएक्टेंट में हमारे पास टर्मिनल एल्काइन एसिड था जिसकी पीके वैल्यू 26 थी, और प्रोडक्ट में बनने वाला वाटर एसिड था जिसकी पीके वैल्यू 15.7 थी। तो एल्काइन और वाटर की हमने
एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर दिया, तो वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण हमने ये कहा कि ये जो वाटर होगा रिएक्शन को वापस पीछे की साइड ले जाएगा, यानी बैकवर्ड रिएक्शन की रेट ज्यादा हो जाएगी और ऐसी रिएक्शन कभी भी फिजिबल नहीं हो पाएगी। इसी तरह जब टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन सोडामाइड के साथ करवाई गई तो यहाँ पर अमोनिया के साथ ये प्रोडक्ट बना। अब अगेन यहाँ पे हमने एल्काइन और अमोनिया की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करा और हमने ये नोटिस करा कि एल्काइन का पीके वैल्यू कम होने के कारण एल्काइन की एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज़्यादा होती है। इसीलिए चूंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड इस साइड होगा, ये रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा, यानी ये रिएक्शन फिजिबल रिएक्शन होगी। अब मान लीजिए इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी को हमको सिर्फ बेस के पीके वैल्यू को देखकर स्टेटमेंट देनी पड़े, तो इसके लिए इन दोनों बेस की पीके वैल्यू को नोट कर लेते हैं। NaOH की पीके वैल्यू 15.7 होती है और सोडामाइड की पीके वैल्यू 38 होती है। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर बेस की पीके वैल्यू एसिड की पीके वैल्यू से ज़्यादा हो, ऐसी कंडीशन में फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट ज़्यादा होती है और रिएक्शन फिजिबल बन जाती है। जैसे NaNH2 की पीके वैल्यू 38 है जो कि एसिड की पीके वैल्यू 26 से ज़्यादा है, इसलिए ये रिएक्शन फिजिबल हो पाती है। इसी तरह से अगर मान लो बेस की पीके वैल्यू कम हो जाए और एसिडिक एच जो रखने वाला कंपाउंड है उसकी पीके वैल्यू ज़्यादा हो, तो ऐसी रिएक्शन कभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं कर सकती, यानी ऐसी रिएक्शन या इक्विलिब्रियम नॉट फिजिबल होता है। जैसे यहाँ पर NaOH की पीके वैल्यू 15.7 है जो कि एसिड की पीके वैल्यू से कम है, इसलिए ये रिएक्शन कभी भी प्रोसीड नहीं कर सकती, नॉन या नॉट फिजिबल रिएक्शन होगी। अब बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट की। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट किस तरह से एसिडिक एच के साथ रिएक्ट करता है। जब किसी एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो इससे एसिड अपना एच पॉजिटिव को रिलीज कर देता है और इस एसिड के कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव चार्ज यानी कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन हो जाती है और साथ में H2CO3 बनता है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा है कि एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ Ka वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और Pka वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड की Ka वैल्यू ज़्यादा होती है जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड की Pka वैल्यू कम होती है। किसी भी कंपाउंड की जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन की जाती है तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी में अगर H2CO3 की Pka वैल्यू इस Ha से ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो Ha है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज़्यादा होगी। अगर Ha की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड इस रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ये रिएक्शन को आगे की साइड प्रोसीड करेगा, इससे जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी उसकी रेट इंक्रीज हो जाएगी और ऐसी रिएक्शन फिजिबल रिएक्शन कहलाएगी। अगर टेस्ट के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो हम कहेंगे ऐसे कंपाउंड ने सोडियम बाइकार्बोनेट का पॉजिटिव टेस्ट दिया है। इसी तरह से इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी में अगर मान लो Ha की पीके वैल्यू H2CO3 से इंक्रीज हो गई है, इसका मतलब ये है H2CO3 की एसिडिक स्ट्रेंथ Ha से ज़्यादा है। अब चूंकि H2CO3 यहाँ पर है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो रिएक्शन को बैक साइड में ले जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, यानी ऐसी रिएक्शन कभी भी फिजिबल रिएक्शन नहीं होगी और इस टेस्ट को हम बोलेंगे कि ये टेस्ट जो है ये नेगेटिव टेस्ट हुआ है। H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है कि इसमें एक कार्बन पर दो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इस कारण से ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है और ये स्लाइट हीटिंग में ही वाटर और CO2 में ब्रेक हो जाता है। इसी कारण से सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन में बनने वाले H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड की जगह पर CO2 प्लस वाटर भी लिखा हो सकता है और इस CO2 की आइडेंटिफिकेशन के लिए रिएक्शन में लाइम वाटर डाला जाता है, क्योंकि लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है जिससे रिएक्शन का सॉल्यूशन मिल्की या क्लाउडी वाइट हो जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। इस टाइप के सोडियम बाइकार्बोनेट के क्वेश्चन में हमसे चार चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे ये रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी। नंबर सेकेंड, अगर फिजिबल होगी तो ऐसे टेस्ट को हम कहेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट ने इस एसिड के साथ पॉजिटिव टेस्ट दिया है, यानी ऐसा पूछा जा सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कितने मॉलिक्यूल या कितने कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट देंगे। क्योंकि इस रिएक्शन में CO2 रिलीज हो सकती है तो क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि कितने कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 की फॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि इस रिएक्शन में जो एसिड है वो कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो गया है और ये सोडियम सोल्ट होता है, इसकी वाटर सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है,
इसलिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कितने ऐसे एसिड हैं जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सोल्यूबल हो सकते हैं। अब एसिड बेस में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि हम ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी कंपाउंड के पास एसिड है तो उसकी रिएक्शन किसी भी बेस के साथ करवा सकते हैं, बट ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए इस रिएक्शन को हम कंसिडर करें कि कोई भी हमारे पास एसिड कंपाउंड जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट इटसेल्फ वीक बेस होता है। इसका मतलब ये है अगर ये खुद वीक बेस है तो ये केवल उन्हीं कंपाउंड से रिएक्ट करेगा जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड जिनकी एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो उनके साथ ये रिएक्शन पॉजिटिव होगी और CO2 की फॉर्मेशन होगी और रिएक्शन का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट वीक बेस क्यों है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की स्ट्रक्चर को देखें वो कुछ इस तरह से होती है। अब यहाँ पे जो ओ नेगेटिव होता है ये डोनर एटम की तरह काम करता है। अगर इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती तो सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता, बट इसमें होता क्या है ये ओ नेगेटिव इस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कंजुगेशन में रहता है, इसलिए इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर माइग्रेट कर जाता है और इस एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसी कारण से जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो वीक बेस की तरह काम करता है। एग्जाम्पल नंबर 5, इस एग्जाम्पल में फिनोल की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाई जा रही है। अब हमको ये चेक करना है कि रिएक्शन फिजिबल है या नॉन फिजिबल है और उसके बाद हमको ये स्टेटमेंट देना है कि फिनोल जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा या टेस्ट नहीं देगा। जब फिनोल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है तो इससे H2CO3 की फॉर्मेशन होती है। अब हमको फिनोल और H2CO3 की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। अगर इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो जो H2CO3 की पीके वैल्यू होती है वो फिनोल की पीके वैल्यू से कम होने के कारण H2CO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो H2CO3 अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या करेगा, रिएक्शन को पीछे की साइड लेके चला जाएगा। इससे जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी उसकी रेट बढ़ जाएगी, यानी ऐसी रिएक्शन कभी भी फिजिबल नहीं हो पाएगी। और अगर ऐसी रिएक्शन कभी भी फिजिबल नहीं हो पाएगी तो हम ये अब स्टेटमेंट दे देंगे कि फिनोल कभी भी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता है, यानी फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट का नेगेटिव टेस्ट देता है क्योंकि रिएक्शन फिजिबल नहीं होती। एग्जाम्पल नंबर 6, इसी तरह से जब सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो इस एसिड बेस रिएक्शन में H2CO3 की फॉर्मेशन होती है। सल्फोनिक एसिड की पीके वैल्यू -2.6 के नियर अबाउट होती है क्योंकि यहाँ पे हमने R की वैल्यू डिफाइन नहीं करी है, इसलिए इसकी वैल्यू -2.6 के नियर अबाउट होती है। H2CO3 की पीके वैल्यू 6.3 होती है। इसकी पीके वैल्यू से हम क्लियरली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सल्फोनिक एसिड होता है वो H2CO3 के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये रिएक्शन को क्या करेगा, रिएक्शन को आगे की साइड लेके जाएगा, यानी इसकी जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी उसकी रेट इंक्रीज हो जाएगी और ऐसी रिएक्शन फिजिबल रिएक्शन होगी। यहाँ पर अब हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि सल्फोनिक एसिड हमेशा सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट पॉजिटिव देता है। एग्जाम्पल नंबर 7, इसी तरह से अगर टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो इस रिएक्शन में H2CO3 की फॉर्मेशन होती है। अगर इनकी पीके वैल्यू के बेस पर इनकी एसिडिटी की बात की जाए तो H2CO3 की पीके वैल्यू कम होने के कारण H2CO3 टर्मिनल एल्काइन से अच्छा एसिड होता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड राइट हैंड साइड में है, रिएक्शन को बैक साइड में ले जाएगा, यानी अगर इसमें हम रेट की बात करें तो जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगी वो फास्ट आएगी, यानी ऐसी रिएक्शन कभी भी फिजिबल नहीं हो पाएगी। या हम ऐसा कह लें कि ये कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट में सोल्यूबल नहीं हो पाएगा, या ऐसा कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में एल्काइन की रिएक्शन जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो CO2 रिलीज नहीं होगी। एग्जाम्पल नंबर 8, इस एग्जाम्पल में एसिडिक एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाई जाती है जिससे एसिडिक एसिड एक एच पॉजिटिव को रिलीज करके कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन कर लेता है और साथ में इसमें H2CO3 की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन को देखकर हमको इतने सारे पॉइंट के बारे में ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी पीके वैल्यू देखते हैं। जो एसिडिक एसिड होता है अगर इसकी पीके वैल्यू को कंसिडर किया जाए ये 4.76 होती है, और इसी तरह से H2CO3 की अगर पीके वैल्यू को देखा जाए तो ये 6.3 होती है। इसका मतलब ये है जो एसिडिक एसिड होता है इसकी एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो H2CO3 से ज़्यादा होती है, इसलिए ये रिएक्शन जो होगी वो आगे की डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एसिडिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव टेस्ट देता है, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है।
क्योंकि इस टेस्ट में ये जो H2CO3 बनता है ये अनस्टेबल होता है और बाद में यहाँ से CO2 और वाटर रिलीज हो जाता है, इसलिए इसकी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि इसमें CO2 रिलीज होती है। और तीसरी स्टेटमेंट में हमको दिया गया है कि एसिडिक एसिड सोल्यूबल इन NaHCO3, क्योंकि जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है तो इस एसिडिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो एक सोल्ट होता है, इसलिए इसकी वाटर सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और इसीलिए एसिडिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में सोल्यूबल होता है, यानी इसकी तीसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब इस रिएक्शन में लाइम वाटर यूज किया जाता है तो इसका सॉल्यूशन जो होता है वो मिल्की हो जाता है या मिल्की क्लाउडी हो जाता है, क्योंकि देखा हमने ऐसा देखा था कि जो लाइम वाटर होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही सॉल्यूशन होता है, जब इसमें लाइम वाटर डाला जाता है तो लाइम वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस CO2 के साथ रिएक्शन कर लेता है जिससे CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, यानी कि ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट एसिडिक एसिड के इस H को एब्स्ट्रैक्ट करने में कैपेबल होता है, इसी कारण से ऐसी रिएक्शन को हम फिजिबल रिएक्शन कहते हैं, यानी इसका फिफ्थ स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल नंबर 9। अभी एग्जाम्पल 5 में हमने देखा था कि जो सिंपल फिनोल होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि जो फिनोल होता है वो H2CO3 के कंपैरिजन में वीक एसिड होता है। अब मान लो हमारे पास कोई ऐसा फिनोल है जिसमें हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, जैसे यहाँ पर हमने नाइट्रो ग्रुप इसकी 2, 4 और 6 पोजिशन पर लगाए हैं, यानी कि ये हमारे पास 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल है जिसे हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। अगर इसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो ये क्या रिएक्शन फिजिबल होगी? डेफिनेटली रिएक्शन फिजिबल होगी, क्योंकि जो H2CO3 होता है अगर इसकी हम पीके वैल्यू देखें तो H2CO3 की पीके वैल्यू 6.3 होती है, जबकि यहाँ पर पिक्रिक एसिड की पीके वैल्यू 0.4 दे रखी है। इसका मतलब पिक्रिक एसिड जो होगा वो H2CO3 के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और इसीलिए ये इक्विलिब्रियम को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देगा, जिससे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में मेंशन ऑक्जेलिक एसिड, स्क्वेरिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम विटामिन सी भी कहते हैं, इन तीनों के थ्रू भी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट पॉजिटिव आता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जैसे थायोल, वाटर, सभी तरह के अल्कोहल, फिनोल, SCN, टर्मिनल एल्काइन या किसी भी तरह की एल्काइन, एल्कीन, ये सभी कंपाउंड नेगेटिव टेस्ट देते हैं और नेगेटिव टेस्ट देने का कारण इसका यही है कि ये सभी कंपाउंड H2CO3 के कंपैरिजन में वीक एसिड होते हैं। तो गाइज, आई होप इस वीडियो लेक्चर में आपने रिएक्शन की फिजिबिलिटी को, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट को बहुत अच्छे से समझा होगा। तो वीडियो के रेस्ट पार्ट में टोटल 24 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, आपको वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन क्वेश्चन को लिखते वक्त बहुत ही सावधानी रखी गई है, फिर भी इनमें से कहीं भी आपको एरर लगती है तो उस एरर के बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आई होप आप वीडियो को स्लो डाउन करके या पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गाइज, आई होप आपने वो सभी क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। दीज आर द आंसर्स इन क्वेश्चन के रिगार्डिंग या फिर वीडियो लेक्चर में किसी भी एग्जाम्पल के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।